नमस्कार, मैं हूं गुरलीन और आप देख रहे हैं बीएस लाइव न्यूज। चलिए देखते हैं आज का समाचार। उत्तराखंड तपोवन त्रासदी में मारे गए मजदूर सूरज के शव का गमगीन माहौल में हुआ अंतिम संस्कार। जनपद लखीमपुर खीरी। 6 दिन पूर्व उत्तराखंड के चमोली जनपद में तपोवन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में ग्लेशियर टूटने के बाद आई बाढ़ में मारे गए जनपद लखीमपुर खीरी की तिकोनिया क्षेत्र के भूलपुरा निवासी मजदूर सूरज पुत्र बेचू लाल उम्र 19 वर्ष के शव का अंतिम संस्कार कल स्थानीय शमशान में संपन्न किया गया। समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष अनुराग पटेल अपने साथियों के साथ अंतिम संस्कार के समय मौजूद रहे। वहीं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता इंजीनियर धनीराम मौर्य ने तपोवन त्रासदी में लापता हुए तिकोनिया क्षेत्र के मजदूरों से मुलाकात की। धनीराम मौर्य ने तपोवन त्रासदी में मारे गए व लापता मजदूरों के परिवार वालों को 25-25 लाख रुपए मुआवजा दिलवाए जाने की मांग सरकार से करते हैं और सभी लापता मजदूरों की शीघ्र तलाश कराए जाने की भी मांग की है। देखे हमारे संवाददाता बसंत कुमार मांझी की यह रिपोर्ट। कई लोग लापता थे यहाँ से? 2 लोग। कौन कौन? एक गौरी शंकर, एक शंकर। अच्छा, तो यहाँ पे कोई सहायता राशि देने के लिए आए थे? कोई राशन सामग्री देने आया था? राशन सामग्री मिली है गौरी शंकर के परिवार को और जो शंकर है उसके परिवार को कोई भी किसी तरह की मदद नहीं मिली है। क्यों नहीं मिला? कह रहे थे कि वो नेपाल रहता है, इसीलिए उसको अभी दर्ज भी नहीं किया गया है कोई रिपोर्ट। आज लेखपाल जी आए थे, वो लिख कर ले गए हैं, कह रहे थे तहसील में जमा करेंगे, उसके बाद वहाँ से जब कुछ खबर आएगी तभी हम कुछ कर सकते हैं। अच्छा, शंकर नेपाल का रहने वाले हैं? जी सर, नेपाल का रहने वाला है। उनकी रिश्तेदारी कहाँ है? यही है, हमारे मौसी का लड़का है, वो यहीं रहता था। अच्छा, यहाँ 2 साल रुका, उसके बाद यहीं से गया हमारे मौसी के लड़के के साथ। हम भी साथ में गए थे तो हम जनवरी में आ गए थे। बॉडी अगर नहीं मिलती है जी, सारा रिकॉर्ड उनका है सरकार के पास, पावर प्रोजेक्ट के पास भी है, सरकारों के पास भी है, तो ये इंतजार न करके कि डेड बॉडी मिलेगी तभी हम कोई सहायता देंगे। हमारी तो यही मांग है कि जो है जो प्रूफ मौजूद हैं उनके आधार पे आप जो है तुरंत अविलंब जो है सहायता राशि परिवारों को दिया जाए, और वो भी कम से कम 25-25 लाख रुपए, इससे कम में परिवारों का भरण पोषण नहीं हो सकता। और दोनों सरकारों से, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों सरकारों से मांग करते हैं कि नियमों को शिथिल करते हुए जो है इसमें कार्रवाई करने की जरूरत है, तभी इस त्रासदी से परिवारों को थोड़ा सा संतोष मिलेगा। देखिए कोई वापस नहीं ला सकता है, लेकिन एक संतोष तो हम वापस नहीं ला सकता है बस, लेकिन एक परिवार को थोड़ी सी राहत की, क्योंकि उनको अपने भरण पोषण का थोड़ा सा एक सहारा मिल जाएगा तनखा में। आज के समाचार में इतना ही, फिर मुलाकात होगी अगले समाचार के साथ। देखते रहिए बीएस लाइव।